पटना में पेट्रोल की टंकी में ब्लास्ट हुआ है। जी हां, सड़क पर 200 लीटर तक पेट्रोल जो है फैला है, माफ कीजिएगा 200 मीटर तक पेट्रोल फैल चुका है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ब्लास्ट को लेकर अफरा तफरी का माहौल है, तो दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। लगातार कोशिश की जा रही है क्योंकि पेट्रोल टंकी में ये ब्लास्ट हुआ है, तो दमकल की गाड़ियां जो है वो मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। ब्लास्ट को लेकर अफरा तफरी का फिलहाल माहौल है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से आग जलती हुई नजर आ रही है और पेट्रोल की टंकी में ब्लास्ट के बाद ये हादसा जो है वो पेश आया है। दमकल की गाड़ियां फिलहाल मौके पर मौजूद है और फिलहाल जो बिहार में स्थिति है, बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात है। हालांकि जो खबर आ रही थी कि आज पटना में बारिश नहीं हुई है, लेकिन तस्वीर इस वक्त देखिए कि किस तरह से पेट्रोल की टंकी में ये ब्लास्ट हुआ है और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं आग बुझाने के। ये ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, खबर पटना से है। पेट्रोल की टंकी में ब्लास्ट की खबर मिल रही है और लगातार दमकल की गाड़ियां जो हैं मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश देखिए किस तरह से की जा रही है और देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भी नज़र आ रहा है क्योंकि बिहार में इस वक्त हालात जो ऐसे हैं, भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 14 जिलों पर अलर्ट जारी है और पटना में भी कमोबेश यही स्थिति देखने को मिल रही है। सड़कें जो है पूरी तरह से जलमग्न हैं और ऐसे में खबर आती है कि पेट्रोल की टंकी में ब्लास्ट हुआ है जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की गाड़ियाँ हालाँकि मौके पर मौजूद हैं और ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं आग बुझाने के। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त पटना से और इस वक्त ताज़ा तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से आग बुझाने के प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं।